फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, हम आईएमएफ से भीख मांग रहे और आईएमएफ भारत से भीख मांग रहा है। ये कब हुआ है? आईएमएफ से भीख मांग रहा है? वाह, मुझे इंडिया में खुशी मनानी है, दिवाली मनानी है। तो चलो फ्रेंड्स, पहले वीडियो देखते हैं, न्यूज पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। आईएमएफ ने हमें फारिग कर दिया। अगर आईएमएफ को $1 अरब हमें दे दे, अब बात तो ये है, आईएमएफ ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल रिक्वेस्ट ही की है, मतलब प्रॉपर लिखा है कि हम बैक करते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं कि इंडिया जोन सा है वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोके। अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को रोका, यानी गेहूं की, गंदुम की एक्सपोर्ट को रोका, तो दुनिया में इस हवाले से बुहरान आ सकता है, गंदुम के हवाले से, वीट के हवाले से। अब हमने केयरटेकर्स को कितनी देर रखना है और किस किस्म की आगे एक्सपेरिमेंट्स हमने करने हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये मेरी पेशन गोई है, अल्लाह खैर। इकोनॉमी का क्या होगा? केयरटेकर्स के साथ तो बात ही नहीं करनी आईएमएफ ने। हुए और अभी जो बात हुई अभी कतर में दोहा में, जहाँ पे भी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे, तो वो टॉक्स फेल हो गई है। आईएमएफ से हम हर साल, या मतलब हम कर्जा लेते रहते हैं आईएमएफ से, ठीक है, और आईएमएफ इंडिया की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें, अगर आप एक्सपोर्ट रोकेंगे तो पूरी दुनिया में वीट के हवाले से बुहरान आ जाएगा। हम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए आईएमएफ से कर्जे मांग रहे हैं, उनके तरले कर रहे हैं, उनके नीचे लगे हैं, और इंडिया के आईएमएफ तरले कर रहे हैं। क्राइसिस को आ जाती है, कुछ ये हो जाता है, वो कोई ना कोई फंड फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ जाती है। मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि मुझे तो बहुत पसंद है इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहूंगी। इंडिया को आईएमएफ जैसा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता ही है दोस्तों, भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत आगे भीख मांग रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, आईएमएफ भारत के सामने भीख मांग रहा है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना ने मंगलवार को भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मैं भारत से जल्द इस पर पुनर्विचार करने की भीख मांगती हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हमेशा आईएमएफ से कर्ज के लिए हाथ फैलाता रहता है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि संजोग देखो, आईएमएफ भारत से भीख मांग रहा है और हम आईएमएफ के आगे दोनों हाथ फैलाए हुए खड़े हैं। आपको यहाँ बता दें कि आईएमएफ की पाकिस्तान के साथ वार्ता फेल हो गई है और आईएमएफ पाकिस्तान को और कर्ज नहीं देने वाला। आईएमएफ ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल रिक्वेस्ट ही की है, मतलब प्रॉपर लिखा है कि हम बैक करते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं कि इंडिया जोन सा है वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोके। अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को रोका, यानी गेहूं की, गंदुम की एक्सपोर्ट को रोका, तो दुनिया में इस हवाले से बुहरान आ सकता है, गंदुम के हवाले से, वीट के हवाले से। इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वो वीट की प्रोडक्शन के हवाले से इतना आगे निकल चुका है कि आईएमएफ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली, मतलब उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें, अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी, पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है और इंडिया को आईएमएफ जैसा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो है वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। इनफैक्ट ना, जो ये आईएमएफ को खतरा है ना बुरान का, वो तो जो यूक्रेन का मसला चल रहा है इस वजह से है। बाकी जो गवर्नमेंट है ना इसकी, इंडिया की, वो उनको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट दे रही है ज़राअत के हवाले से, इनको प्रमोट कर रही है, किसानों को कर्जे दे रही है, इस तरह से ना वो बड़ा मामलात हैं जिस वजह से वो प्रमोट वहाँ हुई है ज़राअत। किसान बड़े मजबूत हैं, किसान मजबूत हैं, लेकिन हमारी मीडिया पे तो ये बताया जाता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में ये बुहरान है, इंडिया के हालात बहुत ख़राब हैं। आप ये जो अगर बता रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडीज़ देती हैं, आपको कैसे पता चला? मैं आपको वो एक चीज़ बताता ना, कि वहाँ जब अंग्रेज़ों का दौर था ना, वो इधर रूल कर रहे थे, तो उस वक्त से ना वहाँ ना मंडियाँ बनी हुई हैं, और मंडियाँ जो है ना वो इधर जितना आपका ये व्यापारी वगैरह ले जाते ना, ये शहरों वाले, वो जो आम जमींदार है उसको नहीं फ़ायदा होता। वो जो रेट मंडियों में होता है ना, जो एंड पे होना होता है, वो शुरू में भी वही होता है।
जाता है, ये वजह है कि वो जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा फिर मुनाफा मिल जाता है इंडिया में। इंडिया में आईएमएफ से हम हर साल या मतलब हम कर्जा लेते रहते हैं आईएमएफ से, ठीक है, और आईएमएफ इंडिया की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें, अगर आप एक्सपोर्ट रोकेंगे तो पूरी दुनिया में वीट के हवाले से बुहरान आ जाएगा। हम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए आईएमएफ से कर्जे मांग रहे हैं, उनके तरले कर रहे हैं, उनके नीचे लगे हैं, और इंडिया के आईएमएफ तरले कर रहा है, क्या वजह? सर इसकी असल वजह मेरे ख्याल से तो यही है कि इसकी बैड गवर्नेंस है, जो कि पाकिस्तान किसान को इस तरह के माहौल नहीं दे पा रहा कि किसान इस तरह के पैदावार ज्यादा करे। आईएमएफ जिससे हम मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पाकिस्तान हर 6 माह बाद हर साल बाद कर्जा लेता है और बहुत ज्यादा मकरूज हैं हम आईएमएफ के, वो आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट क्या तरला कर रहा है कि भाई इंडिया को कह रहा है कि आप वीट की एक्सपोर्ट को बंद ना करें, अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया तो दुनिया में बुहरान आ सकता है गंदम के हवाले से, गेहूं के हवाले से, वीट के हवाले से। तो ये खबर सुनकर आपको कैसा लगता? ये खबर सुनकर मुझे एक तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसको भी अपनी वीट की एक्सपोर्ट अच्छी करनी चाहिए, और इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया है कि उससे हमें आईएमएफ धमकियां दे रहा है कि आप ऐसा ना करें ऐसा करें, और इंडिया को वो तरले कर रहा है, मिनते कर रहा है, वो इस लिहाज से इतना अच्छा होता जा रहा है, और हमें अपने आप को देखना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ पे है इस टाइम, हम कहाँ पे खड़े हैं। बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी है, इमरान खान साहब ने सर अपनी हुकूमत के खो जाने के बाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक जलगार कर दिया है, एक हमला कर दिया है, और वो कहते हैं कि मैं अगर वजीर आजम नहीं हूं तो इस हुकूमत को इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि मैं दोबारा वजीर आजम बन सकूं। और उधर आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जब तक जो अपनी जो स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो माजी में हुए, और अभी जो बात हुई अभी कतर में दोहा में जहां पे भी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे, तो वो टॉक्स फेल हो गई है, और वो टॉक्स इसलिए फेल हो गई हैं कि वो जो $6 बिलियन का प्रोग्राम था जिसके ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब वॉशिंगटन गए और आईएमएफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम इसको $8 अरब तक करने को तैयार हैं, लेकिन वो जारी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो आपने सब्सिडी दी हुई है अपने लोगों को पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर, ये सब्सिडी वापस लें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब्सिडी हुकूमत वापस लेती है तो हुकूमत अनपॉपुलर हो जाती है, और इसीलिए पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसने कहा कि इमरान खान साहब जब हुकूमत छोड़ के गए तो ये लैंडमाइंस बिछा के गए थे, ये लैंडमाइंस इसलिए बिछा के गए थे कि इनको पता था मैं तो जा रहा हूं तो अब इनको पेट्रोल मैं सस्ता कर जाता हूँ, जब ये आएंगे पेट्रोल महंगा करेंगे, और मैं कहूंगा देखो नकम्मी नालायक हुकूमत है, इन्होंने मेरे मैंने पेट्रोल सस्ता किया, इन्होंने 10-10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया था इमरान खान साहब ने जाते हुए। सो अभी ये जो आईएमएफ और पाकिस्तान के जो स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट था जिसका 7th रिव्यू चल रहा है और $6 बिलियन की फैसिलिटी है और इसको उन्होंने इनहेंस करना था, अगर ये हो जाता है तो हमें जारी बात है अच्छे भले पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से जाके पैसे ले सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील है ये तो आउटडेटेड है, क्योंकि इनका और हमारा मुआहदा 2019 में हुआ था, अब इस मुआहदे को 3 साल हो गए हैं और इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी बदल गई है, इन्फ्लेशन ज्यादा दुनिया में हो गई है, पूरी दुनिया में जिस तरह एक कोरोना का इम्पैक्ट जो बहुत ज्यादा हुआ है, एक प्री कोविड सिचुएशन है, एक पोस्ट कोविड सिचुएशन है, तो खुदारा इसको ना करें, और साथ में यूक्रेन की क्राइसिस को देख लें आप वहां पे क्या मॉडल आया है। टोरेंस मजा आ रहा था मुझे सुनने में इनका रोता जो रो रहे हैं ना वो सुनने में, और मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता जब वो कहते थे, जब वो सेंटेंस आता था कि भैया आईएमएफ जो है उसके पास तो हम भीख मांगने गए हैं और आईएमएफ जो है वो इंडिया के सामने भीख मांग रहा है, तो वही मुझे मजेदार बहुत ही लग रहा था जितनी बार आता, तो उसको इतने वे से अलग अलग वे से जो एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर गेहूं के 3 वर्ड्स यूज करके हर एक पाकिस्तानी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बड़ा मजेदार। नहीं, अभी तो इंडिया ने शुगर केन का भी एक्सपोर्ट बंद, हाँ चीनी भी तो कर दिया तो सिर्फ वीट नहीं है, शुगर केन ही बंद हो गया है, अब आईएमएफ क्या क्या बैक करेगा पर देखना पड़ेगा। मगर देखिए मतलब नहीं, पहले एक मिनट मुझे पता है क्या लग रहा है कि मोदी जी ने जान पूछ के किया होगा, किसी को बताना मत, मेरे को लग रहा है कि बताने के लिए कि हमारी पावर क्या है, तभी तो वर्ल्ड को समझ में भी आएगा, नहीं तो हम इतने प्यार से सब कुछ दे ही जा रहे थे, उनको लग रहा था वो
हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब जब थोड़ी देर के लिए रुकेगा ना तो पता चलेगा इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है, और जब ये इंडिया की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी ना तो जो हमें वीटो पावर नहीं दी जा रही ना वो भी देंगे। नहीं देखिए, वीटो पावर उनके हाथ में जो बहुत अमीर नेशन है तो वो उनको भी प्रॉब्लम उनको वीटो नहीं चाहिए, उनको शुगर केन नहीं चाहिए। पॉइंट ये है, अमीर देश जो है उनके पास सब कुछ अरेंजमेंट अपना ऑलरेडी है। पॉइंट है गरीब देशों की, जो अफ्रीका के देश है उनकी प्रॉब्लम है सारे, और बहुत सारे डिफरेंट नेशन जो इतने अमीर कैटेगरी में नहीं माने जाते उनको प्रॉब्लम है कि उनके पास अपनी वीट नहीं है। तो मगर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि IMF को पता है कि अगर वीट के सप्लाईज कम हो गए तो वर्ल्ड में हंगर बढ़ जाएगा, बहुत सारे नेशन हैं इनको वीट नहीं मिलेगी, वीट स्टेपल प्रोडक्ट है, अगर वो नहीं मिलता तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी पूरे वर्ल्ड में। मगर इंडिया कह रहा है देखो भैया पहले मेरे को अपने लोगों को देखना फिर एक्सपोर्ट करेंगे। अगर वॉर हुई है रशिया और यूक्रेन में तो उनको रिस्पॉन्सिबल है वो लोग, हम लोग तो नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रॉब्लम उनको है, उनको तुम पीनलाइज करो जहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और रुकवाओ वो रुकवाओ, या वहां बोलो कि रुक जाओ पहले भीड़ निकाल लो उसके बाद आगे करना, वो सब होगा नहीं, और वो तो लंबी वॉर चलने लग रही तो वो तो अभी और उसका आगे प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था, इसमें एक क्लियर हो गया था वहां के लोगों को, धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि जो बोलते हैं वहां पे कि इंडिया गरीब नेशन है, इंडिया में करप्शन है, वो सब सही नहीं है। धीरे धीरे वहां के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन निकल निकल, पहले तो उनका मीडिया पूरा छुपा के रखता, राइट, एक समय था पूरे ने मीडियम छुपा रखा था, मेरे ख्याल से मीडियम को छुपा नहीं पा रहा। और दूसरा इमरान खान इतने बुरे और जैसे बोल रहे हैं इमरान खान लैंड माइन लगा के गए हैं, रिड्यूस करके गए हैं, अब इंक्रीज करेगा जो वो चलिए तो ये ऐसा वहां पॉलिटिक्स चले। अल्टीमेटली मुझे बाद में देखा था कि इमरान खान की क्या मांग रहे हैं, वो ये मांग रहे हैं कि इलेक्शन से इलेक्शन। हाँ मैंने भी, हम यही सोच रहे थे कि पिछला वीडियो जो किया था कि भैया रैली कर रहे हैं, मैं समझ नहीं आया रैली किस बात की, किस बात की तकलीफ है, हार गए अगले वोटिंग में चले जाएंगे। अलग से किया मैंने, अलग से और एक दूसरे बात भी नहीं की। अल्टीमेटली ये था, मैंने भी सोचा था तकलीफ क्या है, मैंने अलग से जाकर रिसर्च की, तकलीफ ये थी कि उनको ये कि अभी करो इलेक्शन जल्दी करो, कल ही करता हूँ मैं, कल ही जीतता हूँ, इतनी जल्दी मची हुई है, अभी करो इलेक्शन, आज ही करो और आज ही उनको जीतना है, पता नहीं कैसे जीतेंगे मगर जो भी है बड़ा कॉन्फिडेंस है यार, मगर जो भी है अच्छा है कि वहां पे थोड़ी अवेयरनेस आ रही है उनके लोगों को कि इंडिया की जो उनको दिखाते थे स्टोरी वो धीरे धीरे ब्रेक हो रही है और वो नहीं रोक पा रहे, इंडिया की असलियत रोक नहीं पा रहे, पहले इंडिया की असलियत रोकी हुई थी उन्होंने, अब उनके मुंह से भी निकल रहा है भैया इंडिया आगे चला गया, नहीं तो कहां बोलते थे इंडिया तो पीछे हम आ गए हैं, उनका मीडिया जो है धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और असलियत सामने आ रही है। मजे की बात है अभी भी सारे यही सोच रहे हैं मीडिया में जितना सुनने को मिलता है कि कहीं कहां से पैसे ले, आयन से लेंगे फिर वहां से लेंगे फिर वहां से लेने, अभी मतलब ये एक्सपर्ट हो चुके हैं कि कहां कहां से मांगना है। अब ये नहीं है कि आप वो सोचो, उसको ये सोचो कि अगर आए तो कैसे अपनी कंट्री को उठाए ताकि और नहीं मांगना पड़े, मतलब अभी ले लेंगे फिर मांगेंगे, ये ही होगा इनका सिस्टम रहने वाला है। तो पर था वीडियो बड़ा कमाल का और सब बहुत प्राउड फील हो रहा था कि भैया हम मांग रहे हैं भीख IMF से और IMF जो है भीख मांग रहे हैं हमारे इंडिया से, मजा आ गया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।